दुनिया कोरोना वायरस के कहर से निपटने के लिए जंग लड़ रही है। इस जंग में सबसे मुश्किल ये है कि अब तक कोरोना को खत्म करने की ना तो कोई दवा मिली है और ना ही कोई वैक्सीन की खोज हुई है। इसके साथ ही दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कोरोना संक्रमित शख्स को लक्षण आने में इतनी देर होती है कि वो तब तक बहुत से लोगों को रोगी बना चुका होता है। ऐसे में अब एक नया दावा सामने आया है कि कोरोना संक्रमित शख्स में सबसे पहले सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। हालांकि अभी ये कोरोना की जंग जीतकर लौटे लोगों का दावा ही है, जिस पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने जांच शुरू कर दी है। अगर ये दावा सही साबित हुआ तो कोरोना पर काफी हद तक लगाम लगाने में कामयाबी मिल सकती है। क्या सूंघने की शक्ति कम होना कोरोना का लक्षण है? क्या जुबान में स्वाद कम आना कोरोना का संक्रमण है? सूंघने की शक्ति के कोरोना कनेक्शन पर पूरी दुनिया में छिड़ी बहस। कोरोना में नाक का सवाल। कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर जारी है और दुनिया के तमाम मुल्क कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। अभी तक इस महामारी की रोकथाम के लिए किसी दवा या फिर कोई वैक्सीन का इजाद नहीं हो पाया। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ सावधानियां ही इस संक्रमण से बचने का फिलहाल सबसे कारगर इलाज है। इसलिए दुनिया भर के लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए कई तरह की सावधानियां बरत रहे हैं। इसका चेन ऑफ स्प्रेड, इसको फैलने से रोकें, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रोकें, और उसको रोकने के लिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, ये तीन चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और स्पेशली जो हॉटस्पॉट्स हैं, हॉटस्पॉट्स में क्वारंटाइन करना, लोगों को अंदर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ लोग कोरोना से बचने के लिए जरूरी सावधानी बरत रहे हैं तो दूसरी ओर अस्पतालों में हमारे डॉक्टर कोरोना पीड़ितों के इलाज में दिन रात जुटे हुए हैं और वो बहुत सारी मुश्किलों से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि कोरोना का अब तक ना तो कोई टीका बना है ना ही कोई दवा। दूसरी ओर कोरोना के शुरुआती लक्षण आने में काफी समय लग जाता है। कोरोना संक्रमित शख्स 7 से 14 दिन तक स्वस्थ दिख सकता है और अगर स्वस्थ नजर आ रहा शख्स कोरोना संक्रमित है तो वो आसानी से रोग फैला सकता है। शुरुआत में ही कोरोना के लक्षणों का ना दिखना कोरोना से निपटने में सबसे बड़ी चुनौती है। जो अगर घर पे भी हैं तो वो अलग से रहें, चाहे अलग कमरे में हो, अलग बाथरूम यूज करें, और जहां जहां वो टच करते हैं सर्फेसेस उसको अच्छी तरह से साफ किया जाए, क्योंकि वो आगे इन्फेक्शन ना फैलाएं, स्पेशली उन लोगों में जिनमें हाई रिस्क है कि ये सीरियस इन्फेक्शन हो सकती। कोरोना की इस चुनौती की वजह से पूरी दुनिया में 2 तरह की रिसर्च जारी है ताकि कोरोना को खत्म भी किया जा सके और इसे फैलने से रोका भी जा सके। इसके लिए दुनिया में पहली रिसर्च कोरोना की दवा बनाने पर हो रही है तो दूसरी रिसर्च कोरोना के शुरुआती लक्षण को पहचानने को लेकर जारी है। अब तक जिन लक्षणों के जरिए कोरोना की पहचान की जा रही है उनमें सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार ही प्रमुख है, लेकिन हाल ही में कोरोना से संक्रमित बहुत से मरीजों ने ऐसे दावे किए हैं जिसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। मरीजों का दावा है कि कोरोना के संक्रमण होने के बाद जुकाम बुखार से पहले सूंघने की ताकत कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी दावा है कि संक्रमण शुरू होते ही खाने में स्वाद मिलना भी कम हो जाता है। इन लोगों के मुताबिक अगर उनका कोरोना टेस्ट उसी वक्त हो गया होता तो उनका इलाज कुछ दिन पहले शुरू किया जा सकता था। No other sign of the virus other than loss of smell. This loss of smell seems to be a significant sign, hallmark of infection, much higher than typical viral upper respiratory infection. The symptoms can develop later where you have more of the common cough, fever, or sometimes just nothing else develop. अमेरिका में अस्पताल से कोरोना की जंग जीत कर लौटे बहुत से मरीजों ने ये दावा किया है कि बुखार और जुकाम होने से काफी पहले उनकी सूंघने की ताकत कम हो गई थी और स्वाद मिलना भी कम हो गया। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि सूंघने की ताकत और स्वाद में कमी कई तरह के इन्फेक्शन में भी होती है, इसलिए इसे पूरी तरह से कोरोना का लक्षण नहीं माना जा सकता। कई वायरल इन्फेक्शन हैं जिसमें इस टाइप का सेंसेशन होता है, क्योंकि जब नाक में इन्फेक्शन होता है तो नाक में सोजिश आ जाती है, तो उसके कारण जो आपके वहाँ पे नर्व्स हैं उसमें सेंस ऑफ स्मेल कम हो सकता है, और ये कोरोना में भी देखा गया है। तो इस ये और जो आपके लक्षण हैं उनके साथ एक और लक्षण है, लेकिन बुखार, जुकाम, नज़ला, बॉडी एक्स, ये कोरोना के मेन लक्षण हैं। कोरोना पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि सूंघने की ताकत का कम होना कोरोना के लक्षण होने का पुख्ता सबूत नहीं है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अभी सूंघने की शक्ति के कोरोना के किसी कनेक्शन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुछ डॉक्टरों का ये भी मानना है कि स्वाद और गंध खत्म होने को कोरोना के अतिरिक्त लक्षण के तौर पर देखा जा सकता है।
स्मेल ना होना या कम फील होना ये भी एक अर्ली सिम्टम माना जा रहा है। ऑल दो इसके ऊपर अभी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स नहीं हुए हैं जो हम ये 100% बता सकें कि हाँ ये नॉर्मल कोरोना वायरस का ही सिम्टम है। अभी तक WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के लक्षणों को लेकर जो एडवाइजरी जारी की है उनमें सिर दर्द, सूखी खांसी, सर्दी जुकाम, बुखार, थकान, सांस लेने में तकलीफ और बदन में दर्द को ही कोरोना का लक्षण माना गया। लेकिन एक संक्रमित शख्स में इन लक्षणों के सामने आने में काफी वक्त लग जाता है। ऐसे में अगर सूंघने या स्वाद की शक्ति में कमी आना कोरोना का शुरुआती लक्षण बन जाता है तो इससे कोरोना के मरीजों की जल्दी पहचान करने में आसानी होगी। लेकिन इसके लिए अभी पुख्ता रिसर्च आनी बाकी है। अभी उसके ऊपर रिसर्च जारी है, लेकिन जिस तरह से हम बाकी सिम्टम्स के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं उसी तरह हमें थोड़ा ध्यान इस सिम्टम के ऊपर भी देना चाहिए कि अगर आपके सेंस ऑफ स्मेल कम हो या सेंस ऑफ टेस्ट कम हो तो नॉर्मल नॉवल कोरोना वायरस के कारण भी ये हो सकता है। हाल ही में इंटरनेशनल फोरम ऑफ एलर्जी एंड रिनोलॉजी में कोरोना वायरस के लक्षणों को लेकर छपी एक रिसर्च के मुताबिक इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण के साथ साथ गंध और स्वाद का कम होना COVID-19 वायरस से जुड़ा हो सकता है। इस रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक भी शामिल थे जिनके मुताबिक वैज्ञानिकों ने फ्लू के लक्षण वाले 1480 मरीजों की जाँच की जिसमे 102 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रिसर्च में सूंघने की शक्ति को भी शामिल किया गया था। इसके मुताबिक सूंघने की शक्ति कोरोना का लक्षण हो सकती है। अगर किसी इंसान में सूंघने की शक्ति कम होती है तो उसे कोरोना होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जिसको भी सेंस ऑफ स्मेल या टेस्ट कम हो तो वो एटलीस्ट अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन तो कर ले, बाहर ना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, क्योंकि हो सकता है कि अभी शुरुआत इससे हो और कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों में उनमें बुखार या खांसी के सिम्टम भी आने शुरू हों। तो एहतियात बरत लेना वो ज्यादा जरूरी है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मुताबिक उनकी इस रिसर्च के बाद स्वाद और सूंघने की शक्ति को भी कोरोना के लक्षणों में शामिल किया जा सकता है और शुरुआती स्क्रीनिंग में ये मददगार हो सकती है। लेकिन अभी इसे लेकर पुख्ता रिसर्च आना बाकी। डॉक्टरों के मुताबिक सूंघने की शक्ति का कम होना कई दूसरे रोगों की भी निशानी है, इसीलिए कोरोना से सीधा रिश्ता निकालने में कुछ वक्त जरूर लगेगा। लेकिन वैज्ञानिक अब दवा और वैक्सीन की तलाश के साथ साथ इस खोज में भी जुटे हैं कि कोरोना के संक्रमण को कैसे शुरू में ही पहचान लिया जाए ताकि संक्रमित शख्स से कम लोगों में ये रोग फैले। एक तरफ हो रही है कोरोना की दवा की तलाश, दूसरी ओर जारी है शुरुआती लक्षणों की पहचान। क्योंकि कोरोना के संक्रमण पर लगानी है लगाम। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को एक ऐसी मुसीबत में डाल दिया है जिसका हल अब तक किसी के पास नहीं। दुनिया में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख को पार कर चुकी है। लाखों लोग कोरोना की लड़ाई जीत भी चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जितने मरीज ठीक होते हैं उससे कई गुना ज्यादा मरीज बन जाते हैं जिससे कोरोना तेजी से पैर पसारता चला जा रहा है। कोरोना जिस तरह से दुनिया में तेजी से फैल रहा है उसे देखते हुए एक तरफ वैज्ञानिक इसकी दवा खोज रहे हैं तो दूसरी तरफ तेजी से फैलते कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि संक्रमित व्यक्ति की जल्द से जल्द पहचान की जाए। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है उसके लक्षणों की जल्द से जल्द पहचान करना और इसके लिए उन दावों की जाँच की जा रही है जिनमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमित शख्स में सूंघने और स्वाद की शक्ति कम हो जाती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर किसी के सूंघने की शक्ति कम हो रही है तो इसे एनोस्मिया भी कहा जाता है। अमेरिका की आंख, नाक और कान पर स्टडी करने वाली संस्था ने एनोस्मिया को हाल ही में COVID-19 की स्क्रीनिंग लिस्ट में भी शामिल किया है। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे लेकर बटे हुए हैं। वास्तव में अगर किसी शख्स में अचानक सूंघने की शक्ति चली जाती है तो क्या इसे कोरोना का लक्षण माना जा सकता है, इस बात को लेकर अभी भी
कई तर्क हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि साधारण जुकाम में भी सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। इसके अलावा सर्दी होने पर भी सूंघने की शक्ति कम आती है। यही नहीं, कई और बीमारियों में भी सूंघने की शक्ति पर असर होता है। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति में सूंघने की शक्ति भी अलग अलग होती है। हालांकि कोरोना और सूंघने की शक्ति को लेकर जितने भी शोध हो रहे हैं उसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। फ्रांस और ब्रिटेन में कोरोना के लक्षणों पर शोध कर रहे रिसर्चर्स ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। इन रिसर्चर्स का दावा है कि 66% कोरोना संक्रमित मरीजों में सूंघने की शक्ति पर असर पड़ा है, जिसके बाद शोधकर्ताओं का मानना है कि सूंघने और स्वाद की क्षमता का अचानक कम हो जाना कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। लेकिन नतीजे पर पहुंचने के लिए और भी शोध की जरूरत है। फिलहाल कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोरोना वायरस से संक्रमित लोग गंध और स्वाद खत्म होने की शिकायत कर रहे हैं तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा सिर्फ कोरोना संक्रमण में ही हो ये जरूरी नहीं। किंग्स कॉलेज के शोधकर्ताओं का कहना है कि स्वाद और गंध खत्म होने को COVID-19 के कुछ अतिरिक्त लक्षण माना जा सकता है, लेकिन COVID-19 की पुष्टि होने के लिए अन्य प्रमुख लक्षणों का होना जरूरी है। लंदन के किंग्स कॉलेज की एक टीम ने कोरोना वायरस के संदिग्ध लक्षण एक ऐप में रिपोर्ट करने वाले करीब 4,00,000 लोगों के डेटा का अध्ययन किया। कोविड सिम्टम ट्रैकर ऐप के जरिए किए गए शोध के मुताबिक कोविड सिम्टम चेकर ने 4,00,000 लोगों का सर्वे किया, जिसमें 53% ने थकान की शिकायत की, जबकि 29% लोगों में खांसी और 28% लोगों में सांस लेने की तकलीफ थी। सैंपल के 18% में सूंघने की शक्ति में कमी थी और 10.5% लोगों में बुखार था। इसके बाद इस सैंपल के 1700 लोगों का COVID-19 का टेस्ट हुआ, जिनमें से 579 लोग पॉजिटिव पाए गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिनमें कोरोना पाया गया उनमें 59% लोगों में सूंघने की शक्ति कम हो गई थी। Many of us working across the globe in areas with rising rates of COVID-19 are seeing a big spike in patients who are otherwise completely fit and well, often under 40, presenting with relatively sudden onset and complete loss of smell and taste. विशेषज्ञों का कहना है कि अमूमन लोग स्वाद का चला जाना और सूंघने की शक्ति का कम होने जैसे लक्षणों को गंभीरता से नहीं लेते और इसकी जांच कराने की जरूरत भी नहीं समझते। लेकिन जब पूरी दुनिया में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, ऐसे में ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज ने सरकार से अपील की है कि सरकार कोरोना के लक्षणों में सूंघने और स्वाद की क्षमता का कम होना भी शामिल करे। हिंदुस्तान में कोरोना सबसे ज्यादा कोहराम महाराष्ट्र में मचा रहा है। मुंबई में इस वक्त कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है मुंबई का धारावी। बेहद घनी आबादी वाले इस इलाके में करीब 20,00,000 लोग रहते हैं और कोरोना यहां दस्तक दे चुका है। ये ऐसा इलाका है जहां कोरोना कोहराम मचा सकता है, इसीलिए सरकार और प्रशासन ने धारावी में कोरोना को कैद करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है और अब धारावी में हर घर की जांच शुरू कर दी गई है। धारावी में कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर जंग, लाखों लोगों को कोरोना वायरस से बचाने का सबसे बड़ा अभियान। एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी में कोरोना वायरस ने इस तरह से अपने पैर पसार लिए हैं कि महाराष्ट्र सरकार को इस वायरस के खिलाफ युद्ध स्तर पर जंग छेड़नी पड़ी है। 20,00,000 की आबादी वाले इस स्लम एरिया में कोरोना ने कितनों को अपना शिकार बनाया है, इसका अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब यहां रहने वाले लाखों लोगों की स्क्रीनिंग हो। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र सरकार के सामने इस बात की चुनौती है कि इस बेहद घनी बस्ती में उन गाइडलाइंस का कैसे पालन कराया जाए जिनके जरिए कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। यही वजह है कि धारावी और वर्ली कोलीबाड़ा जैसे इलाकों में पहली बार ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो 300 मीटर तक उड़ सकते हैं और हवा में कई घंटों तक इस घनी आबादी में रहने वाले लोगों पर नजर रख सकते हैं। ये जो ड्रोन है वो तकरीबन 200-300 मीटर ऊपर उड़ सकता है और देखिए किस तरह से ये अनाउंसमेंट है वो दूर दूर तक लोगों को बता सकता है कि मुंबई पुलिस के अनाउंसमेंट क्या है। लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें और साफ तौर पर देखिए अब ये इसके लाइव जो आउटपुट है वो मुंबई पुलिस सीधे अपने कंट्रोल रूम में देख सकती है कि देखिए किस तरीके से ये ड्रोन
इन जो कंजेस्टेड इलाके हैं वहाँ पर जा सकता है, और जो लोग अपने घरों के बाहर हैं या फिर बालकनी या छत पर भीड़ लगा के खड़े हुए हैं उनको गुजारिश कर सकता है कि लॉकडाउन के समय और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। धारा भी यूं ही सेंसिटिव जोन नहीं है, महज कुछ ही दिनों के भीतर यहाँ रोजाना कोई न कोई कोरोना पॉजिटिव का केस सामने आ रहा है। अब यहाँ 50 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी कितने और कोरोना पॉजिटिव यहाँ हो सकते हैं इसे सोचकर भी किसी के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि धारावी में 23 मार्च को 56 साल का एक शख्स तबीयत खराब होने के चलते डॉक्टर के पास गया था। वो शख्स दवा लेकर वापस आ जाता है, लेकिन 27 मार्च को एक बार फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इस बार डॉक्टर उसको अस्पताल जाने को कहते हैं। 29 मार्च को सरकारी अस्पताल में एडमिट कर लिया जाता है। शाम को उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है और उसी रात उसकी मौत हो जाती है। इस शख्स के परिवार में कुल 8 लोग रहते हैं, जिनमें से 2 लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। हालांकि उस शख्स की मौत के बाद ही इमारत को सील कर दिया जाता है, लेकिन इसके बाद से यहां कोरोना संक्रमित मरीजों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। तेईस मार्च से 28 मार्च के बीच धारावी में पाया गया कोरोना का पहला मरीज किस किस शख्स से मिला ये कोई नहीं जानता, लेकिन सच यही है कि उसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद जैसे ही लोगों की स्क्रीनिंग शुरू की गई, धारावी में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ने लगा। यही वजह है कि धारावी में कोरोना संक्रमित मरीजों की पक्की जानकारी हासिल करने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 150 डॉक्टरों की स्पेशल टीम यहाँ डोर टू डोर मरीजों की स्क्रीनिंग कर रही है। इसके अलावा लाखों लोगों की इस बस्ती के चप्पे चप्पे पर SRPF यानी स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है। SRPF की ये टीम हाईटेक ड्रोन के साथ कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके धारावी की निगरानी कर रही है, बल्कि लोगों को बेहद सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन न तोड़ने के निर्देश भी दे रही है। खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री लोगों से गुजारिश कर रहे हैं और ड्रोन कैमरे की नजर से सबके ऊपर नजर रखी जा रही है, और ये जो कैमरा है वो तकनीकी बताया जा रहा है कि 2.5 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, और जो उसकी रेंज है वो 5 किलोमीटर की रेंज है, और इस पे जो बड़े बड़े स्पीकर लगे हैं वो उसकी जो आवाज वो दूर दूर तक जा सकती है। कैसे बार बार हमने लोगों से गुजारिश की है कि घर में रहना चाहिए, और घर में रह के इस महामारी के खिलाफ में ये जो जंग चालू है उसको जीत सकते हैं करके काफी एरिया में लोग सहकार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है कि अभी भी वहाँ पे लोगों का सहकार्य जिस तरीके से मिलना चाहिए वो हिसाब से मिल नहीं रहा। करके इस ड्रोन के जरिए हम लोगों से आह्वान करेंगे, हमारी पुलिस आह्वान करेंगी कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धारावी मुंबई का एक ऐसा इलाका है जो अपने आप में एक शहर है। इस बेहद घनी बस्ती में रहने वाली लाखों की आबादी अलग अलग वर्ग और अलग अलग संस्कृतियों से ताल्लुक रखती है। इनमें से ज्यादातर निचले तबके से आते हैं। ये एक बड़ा कारण है कि इन लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन समेत स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। धारावी की डेमोग्राफी का जिक्र करें तो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी में मौजूद छोटे छोटे कमरों में 12 से 15 लोग रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ सैकड़ों लोग एक ही शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। गलियां तंग और गंदी होने की वजह से सैनिटाइजिंग भी यहाँ बड़ी चुनौती है। धारावी जैसी बस्ती में कोरोना जैसे खतरनाक वायरस को शिकस्त देने के लिए वो तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिनके बूते लाखों लोगों की इस बस्ती में कोरोना संक्रमित लोगों का पता लगाया जा सके। इतना ही नहीं, लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ भी यहाँ अब और सख्ती बरती जा रही है ताकि लोग अपने घरों में ही रहें।